नगरकोट माता मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। यह मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नगरकोट में स्थित है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच। देवी सती ने भगवान शिव के सम्मान में अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे और प्राण त्यागने के बाद जब भगवान शिव वहाँ आए, शिव ने देवी सती के शरीर को अपने कंधे पर ले लिया और तांडव शुरू कर दिया, जिससे कि पूरी सृष्टि खत्म होने के कगार पर थी। तो उसको रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के साथ सती का शरीर 51 भागों में विभाजित किया, जो कि 51 शक्तिपीठ हमारे भारत में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक यह है नगरकोट मैया का। देवी सती का बायां स्तन इस स्थान पर गिरा था, उस समय से यह एक शक्तिपीठ बना हुआ है। एक दिन पांडवों ने अपने स्वप्न में देवी दुर्गा को देखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये नगरकोट गांव में स्थित है और यदि वे चाहते हैं कि स्वयं को सुरक्षित रखें तो उन्हें इस क्षेत्र में उनके लिए मंदिर बनवाना चाहिए, अन्यथा वे नष्ट हो जाएंगे। उसी रात उन्होंने नगरकोट गांव में एक शानदार मंदिर बनवाने का कार्य शुरू कर दिया। कांगड़ा की खूबसूरत वादियों के बीच ये मंदिर स्थित है। आइए चलते हैं, अब मंदिर के अंदर देखते हैं कि कैसा है। तो ये मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने दो शेर और माता के चरण स्थापित हैं। यहाँ अपना माथा टेक के माता का आशीर्वाद लेते हैं। इसके सामने है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। अभी क्योंकि भीड़ नहीं है तो हम सीधे यहाँ से घुस सकते हैं, लेकिन जब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। दोनों तरफ मंदिर परिषद ने जो है यात्रियों के सेवा के लिए रेलिंग लगा रखी हैं, ताकि भीड़ भाड़ में आराम से भक्त लोग दर्शन कर सकें। ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर। दोनों तरफ से लाइन आके इस मुख्य द्वार पे आके मिलते हैं और फिर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ से तो आप चलते हैं मुख्य मंदिर के अंदर और माता के दर्शन करते हैं। जय माता दी। यह नगरकोट वाली माता हमारी, ये आरती माता की। माता की आरती का पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और पूरी आरती का आनंद उठाइए। माता के मंदिर के अंदर जो आप देख रहे हैं सामने, दीवालों पे चांदी का पूरा परत चढ़ी हुई है और जहाँ माता की पिंडी स्थापित है वहाँ पूरा सोने का, छतर से लेके सारी चीज सोने की है माता की। बाहर निकलते हैं मंदिर से, ये यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं मंदिर से और ये मंदिर का प्रांगण है जहाँ यात्री जो है सब बैठे हैं। इस द्वार से हम बाहर निकलते हैं और यहाँ माता के स्नान का जल बाहर आता है, तो इसको हम भर के भी ले जाते हैं और अपने आँखों पे, सर पे मलते हैं ताकि माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके।
आगे बढ़ना है। अगर आप लंगर बुक कराना चाहते हैं तो यहाँ दान काउंटर पर लंगर बुक करा सकते हैं। और अब चलते हैं आगे। यहाँ पे जिनकी कुलदेवी है उन वो लोग अपने बाल भी यहाँ दान करते हैं अपने अपने बच्चों के। तो ये वो स्थान है मंदिर के पीछे जहाँ पे लोग अपने बालों को माता पे समर्पित करते हैं। जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हैं बाल समर्पित कर रखे हैं। ये लाइन लगती है यहाँ पर इसके लिए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलिंग बना रखी है। तो अब हम बाहर चलते हैं मंदिर से। माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। जय माता की। ये मंदिर का बाहर निकलने का है और ये आप देख रहे हैं पूरी मार्केट है नीचे तक, मेन कांगड़ा तक नीचे।